हम मानिया दीदी के इंटरेस्ट को फुलफिल करने चाहते हैं और डेमोक्रेटिक राइट को पूरा बर्बाद कर चुके हैं। एक साथ रहेंगे, मिलचारा हमारा जो था वही रहेगा, वो बांटेगा कोई नहीं, जो बांटने वाला है उसको घर भेजेंगे। स्वागत है आपका जनहित आवाज में, मैं हूँ आपके साथ पूजा। और आज यहाँ जंतर मंतर पर जो युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ढेरों तादाद में आए हुए ये युवा आखिर कौन है जो रोजगार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं, उन्हीं से हमें बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सैनिक सूर। कहाँ से आए हैं? कोलकाता, फ्रॉम वेस्ट बंगाल। कोलकाता से आए हैं, अच्छा किस चीज़ को लेकर के यहाँ लगातार आप लोग प्रदर्शन करें, इतनी भीड़ आई है आप लोगों की? देखिए, बेरोजगारी का जो हालात है, अगला 45 साल में इतना बेरोजगारी नहीं हुआ हमारा देश में, और नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट का टेन्योर में इतना बेरोजगारी, और जिसका नौकरी है उसका भी कोई परमानेंट नहीं है, और जो मजदूरी मिलते हैं वो जो रसोई गैस का दाम बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ते जा रहा है, उसका संसार नहीं चल रहा है। तो इसीलिए बेरोजगारी का खिलाफ परमानेंट जॉब का मांग पर ये DYFI का पार्लियामेंट मार्च था। आज DYFI का फाउंडेशन डे भी है, 3 नवंबर 1980 में DYFI फाउंडेशन हुआ था। तो इस दिन में ही हम वेयर इज माई जॉब ये स्लोगन देकर, जॉब फॉर ऑल, एडुकेशन फॉर ऑल, ये डिमांड करके यहाँ पर शामिल हुए थे। जॉब तो मुद्दा ही नहीं है ना, सरकार कहती है जॉब मुद्दा नहीं है, रोजगार मुद्दा नहीं है, दे रही है वो आपको, हिंदू राष्ट्र चाहिए था, हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है। हिंदू राष्ट्र तो आम आदमी नहीं चाहते है, आम आदमी काम चाहते है, आम आदमी रोजगार चाहते है, और सेकुलरिज्म का जो आदत है, ये आदत में कोई मंदिर में जा सकेगा, कोई मस्जिद में जा सकेगा, ये डेमोक्रेटिक राइट है, ये डेमोक्रेटिक राइट और स्थिति शांति संप्रीति ये रक्षा करने के लिए, ये देश का जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री को रक्षा करने के लिए लड़ाई संघर्ष करते हैं। और वो नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट जो है, हिंदू राष्ट्र का नाम पर, धर्म का नाम पर, जाति का नाम पर, एक के साथ एक को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके, जो अंबानी अदानी का इंटरेस्ट है, अंबानी अदानी का इंटरेस्ट को फुलफिल करने चाहते हैं और डेमोक्रेटिक राइट को पूरा बर्बाद कर चुके हैं। तो लोगों को तो भाई मंदिर और मस्जिद से मतलब है, वो लगातार जो है मस्जिदों की बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, अयोध्या मंदिर चाहिए था लोगों को, तो अयोध्या मंदिर मिल गया ना। ये तो BJP का नैरेटिव है, RSS का नैरेटिव है, ये आम आदमी का नैरेटिव नहीं है। कोई जाते हैं मंदिर पे पूजा देने के लिए, कोई मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, ये आदत है, और कोई नास्तिक भी हो सकते हैं। हमारा देश का जो संविधान है, वो संविधान में धर्म पालन का डेमोक्रेटिक राइट है, और सेकुलरिज्म का जो आदत है, ये आदत का रक्षा करने के लिए संघर्ष है। और एक गवर्नमेंट वो सेकुलर नहीं होने में जितना काम किया है, वो एक के बाद एक दंगा फसाद ये सारा देश में चलते जा रहा है, और पेट का और रोजगार का बात सारा देश में BJP RSS नहीं करते हैं, ये बाएं मास का लोग करते हैं, ये प्रोग्रेसिव जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करते हैं। तो इसीलिए ही आज का ये जुलूस भी था, और सारा देश में नौजवान जो है 60% 70% नौजवान, उसका रोजगार असली बात है, वो रोजगार नहीं होने में देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। एक देश में टोटल जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर 60% के ज़्यादा 40 इयर्स के अंदर यूथ है, तो यूथ का परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होने के होने से परमानेंट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और जो PSU का देखते हो आप, कहते सरकार बनाने के लिए जो युवाओं का सहयोग जो होता है वो बहुत बड़ा योगदान होता है सरकार को बनाने के लिए, तो आप भी युवा हैं जो हमेशा से सरकार के लिए वोट करते आए हैं, सरकार को आगे लाए हैं, तो अब रोजगार की मांग कर रहे हैं, आप लोग बदनाम नहीं कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं आप सरकार को? किसको बदनाम कर रहे हैं? वो तो बदनाम कर रहे हैं यूथ को। वो प्राइम मिनिस्टर है, वो सबका प्राइम मिनिस्टर है,
ये उसका स्लोगन था, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगा। आज 7-8 साल हो गया उसका सरकार 7-8 साल में कितना नौकरी दिए है। और कोविड के बाद करोड़ करोड़ आम आदमी उसका नौकरी चला गया। वो जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में लाख लाख वैकेंसी है, वो वैकेंसी में परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। देखिए रेल दफ्तर में, रेल दफ्तर में लाख लाख वैकेंसी है और वो क्या किया, वो 80,000 पद वो विलुप्त अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो गवर्नमेंट सेक्टर को बचाना होगा, गवर्नमेंट सेक्टर का जो वैकेंसी है वो वैकेंसी में परमानेंट रिक्रूटमेंट करना होगा। और ये गवर्नमेंट सेक्टर को वो बेच देते हैं अंबानी अदानी के पास, कॉरपोरेट का पास। ये कॉरपोरेट को वो 7-8 साल में 7 लाख करोड़ रुपया उसको टैक्स मुकुब कर दिया। और आम आदमी और नौजवान लोग उसका जो हाल हकीकत है, वो जब मांग करते हैं 6,000 रुपया पर मान देना होगा जो बेरोजगार है उसको, वो बोल रहा है हमारा पास फंडिंग नहीं है। और देखिए लाख लाख रुपया टैक्स चार वो कॉरपोरेट को देते हैं। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये इतना डिविशन, ये इतना डिस्टेंस, और एक पर्सन का हाथ कॉरपोरेट अंबानी अदानी, उसका हाथ इतना सारा देश का रिसोर्स, और आम आदमी नौजवान इसका नौकरी नहीं है। रसोई गैस का दाम, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ते जा रहा है, हर रोज़ जिनिस का दाम बढ़ते जा रहा है। तो इसका खिलाफ ही हमारा लड़ाई है, 99% का लड़ाई है। और यूथ ये लड़ाई में, ये संघर्ष में एकदम सामने रहेगा, DYFI एकदम सामने रहेगा, और हर राज्य में ये लड़ाई बढ़ते जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभांजन बासु। कहाँ से आए हैं? कोलकाता से आए हैं। कोलकाता से आए हैं। तो आज आप भी यहाँ पर जो आए हैं रोजगार की ही डिमांड करके आए हैं? अगर मेरा पास रोजगार होता तो मैं आज इधर नहीं रहता। आज मेरा पास जॉब होता और मेरा पास रोजगार होता तो मैं इधर नहीं रहता। मैं इधर आए हूँ क्योंकि मेरा पास रोजगार नहीं है, मेरा पास जॉब नहीं है, मेरा जो दोस्त लोग है, मेरा भाई है, किसी के पास जॉब नहीं है। और अगर जॉब मिल भी जाए तो वो परमानेंट नहीं होता है। मतलब मैं आज काम करूँ तो मुझे पैसा मिलेगा, मैं कल तबीयत मेरा ख़राब हो गया तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो जो हमारा देश में जो इतना गवर्नमेंट सेक्टर्स था जिसमें रेगुलर रिक्रूटमेंट होता था, अच्छा रिक्रूटमेंट होता था, परमानेंट जॉब होता था, उसको विलुप्त हो गया है जी। और मोदी जी ने और ऐसे पूरा एक कैपिटलिस्ट माइंड से ये सेट किया है कि जो हमारा जो लेबर है इसको पूरा शोषण कर रहा है। और जॉब तो नहीं है, मतलब जिस वेज में हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही अपमानजनक है, बहुत ही। तो हमारा पास चॉइस नहीं, हमको करना पड़ रहा है कि बिकॉज हमारा पास ऑप्शंस नहीं है। हमारा जो सरकार है वो व्यस्त है दंगा करने में, वो व्यस्त है कहाँ से शिवलिंग उठ रहा है वो देखने में, इधर से नहीं कि नया क्या इंडस्ट्री आ रहा है, क्या नया क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है जिसमें नौकरी हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो सिर्फ कर रहे हैं कहाँ शिवलिंग उठ रहा है, कहाँ दंगा हो रहा है, कहाँ मस्जिद में कौन लाइट चला दिया, किसने क्या किसका मुंडू रख दिया, ऐसा कर रहा है। तो ये पूरा देश में फैल चुका है अभी। मुद्दा है ना, मुद्दा है। हाँ, ये तो मुद्दा है। हाँ। ये मुद्दा बना रहा है, ये मुद्दा नहीं है। हाँ। ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा बनाया जा रहा है। हाँ। क्योंकि अगर ये मुद्दा बन जाएगा तो जॉब का मुद्दा नहीं रहेगा। हाँ। अगर जॉब का मुद्दा नहीं रहेगा तो ये धर्म का जो व्यापार चल रहा है ये व्यापार चलता रहेगा। हाँ। और ये और मोदी हमारा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर, ये वो बहुत अच्छे से पता है कि जब जॉब का मायने आएगा तब वो उसका पास कुछ बात नहीं रहेगा। हाँ। इसलिए वो धर्म को चलाना चाहता है, इसलिए वो धर्म का कारोबार कर रहा है। तो धर्म की तो है ही, धर्म तो सबसे बड़ा मुद्दा है, धर्म तो सबसे पहले ऊपर है। क्योंकि लोगों को तो भाई हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू बनना है सबको, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र सब नहीं चाहते हैं। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में आम जनता है जिसका पेट में भूख है, वही खतरे में। वो हिंदू भी है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो नास्तिक भी है। ऐसा कोई बात नहीं है कि हिंदू ही सिर्फ खाना खा नहीं पा रहा है या मुस्लिम खाना नहीं पा रहा है। सबको पेट में दर्द होता है जब खाना नहीं होता। तो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमको काम का राष्ट्र चाहिए। और ये काम का राष्ट्र हम बना लेंगे, इसलिए आपको हमको जितना संघर्ष करना पड़ेगा हम कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर को हम बता रहे हैं कि हमको काम का राष्ट्र चाहिए, हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। संघर्ष करेंगे तो जेलों में भर दिए, जेलों में भर जाएंगे, जेलों में हम इंकलाब लिख देंगे। वो कितना मारेंगे, हमारा बहुत शहीद का नाम बहुत बड़ा है। और हम जेत में
रीजनल बात कर रहा हूँ, मैं बंगाल से है तो बंगाल का लिस्ट बहुत बड़ा है, जो जो हमारा जो स्वाधीनता संग्रामी है तो इसका लिस्ट बहुत बड़ा है। तो ये हमारा न्याय कुछ नहीं है, देश का सबसे बड़ा खतरा जो अभी शासक है जो बीजेपी है, अभी उससे लड़ाई करना पड़ेगा। काम का राष्ट्र बनाना होगा, हिंदू राष्ट्र नहीं, काम का राष्ट्र बनाएंगे और सब काम करेंगे, सब काम करके अच्छा से रहेंगे, एक साथ रहेंगे, मिलचारा हमारा जो था वही रहेगा, वो बांटेगा कोई नहीं, जो बांटने वाला है उसको घर भेजेंगे। तो ये देखिए, ये तो राष्ट्र के युवा के हालात हैं जो लगातार यहाँ पर जगह जगह से आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इतने युवा जो बेरोजगार हैं, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई बंगाल से आया है, तो कोई राजस्थान से आया है, लगातार रोजगार की डिमांड है इनकी। सोचिए, रोजगार को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन इतने बड़ी मात्रा में होता है, मगर जो सरकार है दावेवादों के साथ आज फेल होती हुई नज़र आ रही है। और आज ये जो युवा हैं ये सड़कों को भर दे रहे हैं और लगातार इस तरीके की ये बातें कह रहे हैं कि हम को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में जो भूख है वो खाने की है, अन्न की है, और भूख जो है वो अन्न से मिटती है, ना कि हिंदू राष्ट्र से। तो ये है आज देश के युवाओं के हालात। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी राहुल के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।